हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स निकिंजा चौधरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, और यहाँ पर नवंबर स्टार्ट हो गया, मतलब बर्थडेज की भरमार भरमार भरमार। अभी फ़िलहाल बर्थडे नहीं है, ठीक है, अभी रहीम की बर्थडे है, उसके लिए हमें कोई चीज़ वगैरह लेनी है, कोई गिफ्ट लेना है। ठीक है, उसने कल घर चले जाना है, इसलिए कोई सेलिब्रेशन और कुछ इस तरह का नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। देखते हैं क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरा जो फ़िलहाल अभी जो प्लान है ना, वो ये प्लान है कि एक केक लेके, बलून्स लेके, कोई बुके लेके, ठीक है, और कोई गिफ्ट लेकर बस उसको हॉस्टल में दे दूँगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी फ्री थे, मैंने सोचा था कि आज कुछ ना कुछ उसके लिए कर दिया जाए, क्योंकि कल उसने घर चली जाना है। ठीक है, और मैंने इस टिकट नहीं जाना, मेरा प्लान जो है वो अभी नहीं बन रहा। ठीक है, और मैं तैयार शार होकर अपना दे रही हूँ, मैंने बालों शालों को बिल्कुल कवर किया हुआ है, मैं अपनी फुल लुक आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये है जी मेरी फुल लुक, आप उधर हो, ये है मेरी फुल लुक ऐसे। ठीक है, अब मेकअप मेरा आप लोग देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल जो है बालों को क्लोज़ कर लिया, क्योंकि मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे बालों का जो ऑयल नेचुरल निकला होता है ना, वो निकला हुआ है। ठीक है, और बस तैयार हम हो गए हैं, अब निकलने की करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई स्टॉलर नहीं था, मेरा जो स्टॉलर है वो बेवकूफ़ रहीम लेके गई हुई है ग्रे कलर का, तो बस यहाँ पे मैं तैयार, और मैंने ये वाले जो स्लीपर्स और हम लोग इस बैग के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये बैग ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन है, और ये है हमारी फुल लुक। आप इधर आए थोड़ा सा, आप लोग चेक करेंगे मेकअप में मैंने थोड़ा सा अपना वो ग्लैम सा, मतलब जो होता है ना लिप ग्लॉस जो है, वो थोड़ा ग्लॉसी सा रखा है। ठीक है, ग्लॉस लगाया है, और तैयार ऐसे ऐसे तैयार हो गए हैं। ठीक है, बस अब निकलेंगे कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो हम लोग घर से आगे थे, ठीक है, मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, वो सुस्ती तो है ना, बीमार तो होना। अच्छा, तो हम तीन दिन से बुखार मुझे, मेरे साथ आपको तो होना ही होना होता है। तो खैर, हम लोग घर से आगे थे, सोल टू सोल, हाँ, हम लोग घर से आगे थे। ठीक है, और जी यहाँ पर हम लोगों ने अभी हम दोनों ने आपस में डिस्कशन करके ये प्लान फाइनल किया कि हम लोग कोहिनूर जाएंगे फिलहाल। ठीक है, और कुछ जो कुछ भी वहाँ पे पसंद आया, मैंने वैसे ये सोचा है कि हम आउटफिटर चल जाएंगे वहाँ पे, जो भी मिला ना, क्योंकि उसको वो लॉन्ग लॉन्ग वाला नहीं चाहिए, उसको वो शॉर्ट शॉर्ट वाला चाहिए, वो शॉर्ट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करना, बाकी जगह पे जाके एक दो शॉप्स पे जाएंगे। ठीक है, बीस्ट्री को, इतने बीस्ट्री नहीं, उसके साथ कौन सा आउटफिटर्स के साथ, ब्रेकआउट सॉरी, तो वहाँ पे जाएंगे, दोनों को विजिट कर लेंगे। ठीक है, जो पसंद आ गया, ठीक है, और वहाँ से हम लोग कोई मतलब केक वगैरह ले लेंगे, फिर मैं कह रही हूँ हॉस्टल से ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा है ना, वो देख लेते हैं, मतलब लोन्स वगैरह लेके फिर करके हॉस्टल के बाद उसको वापस अपने साथ लेंगे। ठीक है, खाना शाना खा के उसको हॉस्टल दोबारा दफा कर देंगे। ठीक है, और दफा ही करना है और क्या, क्योंकि उसने ना कल चले जाना है ना, तो ना हमारा कल, मेरा कल का प्लान था वैसे, ठीक है, कि स्मीद ने भी आ जाना है, तो हम लोग कल ये प्लान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अब हम लोग बस जल्दी करते हैं। और यहाँ हम इसलिए रुके हुए हैं कि हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों ने जाकर जो इतना चलना फिरना है ना, तो पहले हम अपनी पेट पूजा कर लें, ठीक है, और फिर दूसरा हम काम करें, हाँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। ठीक है, क्योंकि नाश्ता किया हुआ था, आज तो नाश्ता भी लेट किया, तो बस अब जल्दी चलते हैं। और जूस का लेने के लिए एक ही पॉइंट, हाँ एक ही पॉइंट है, ठीक है, हमने अब पब्लिसिटी नहीं करनी किसी चीज की, हाँ ठीक है, तो है क्यों वैसे ही, मतलब जब शेक हम लोग, फैसलाबाद का पॉइंट है, फैसलाबाद की मशहूरी कर रहे हम, हमें इन्होंने क्या दिया जो हम इनकी पब्लिसिटी करें। तो हम लोग यहाँ पे शेक का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है, और आता है पी कर हम लोग निकलते हैं। फिर तो हमारा जो शेक है वो आ गया, हम लोगों ने ज्यादा एनर्जी लेनी थी, इसलिए ये मुझे ठीक है, नहीं अच्छा है, लेकिन ना थोड़ा सा ना वो है, वो 200 दे दे मुझे। तो अब हम लोग बस ये हमें यहाँ पे रुक के आपने पीना है, हमें बस ऐसे चल पड़ना है, मर्जी, मैं कहती हूँ मैं अंदर जाके चीजें वगैरह ले लूंगी, आप तब पी लीजिएगा बस, एक मिनट बस ये पकड़ लेना, चलो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर ली थी, और यहाँ पर मैं आके जस्ट उसको ट्राई करी थी कि आया या उसके ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए एक स्कर्ट करती हूँ, क्योंकि जीन्स वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो ये शर्ट्स होती है ऐसे, मैंने दोस्त के लिए पसंद की थी, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था, और मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी शॉपिंग की थी कि जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में मैंने कवर कर लिया। इसके साथ जो ये वाली नॉट वाली शर्ट थी ना, ये बहुत ज़्यादा क्लासी जा रही थी, ठीक है, अभी मैं डिसाइड कर रही थी कि दोनों में से कौन सी वाली शर्ट की जाए। शर्ट जो थी बेसिकली मुझे कोई विंटर टाइप की नहीं मिल रही थी, यहाँ पर
मुझे समर की ही शर्ट्स मिली थी, ये मिड सीजन वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि ये दोनों शर्ट्स में से ज़्यादा बेस्ट कौन से वाली चलेगी, क्योंकि वो हमारी वाली थोड़ी दूसरे वाले सैम्पल है, मतलब शॉर्ट वाला सैम्पल है हमारा, हमारे में से ना। तो मैंने सोचा कि इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट की जाए, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 5 मिनट सेलेक्ट करने में लगा दिया। तो मैंने दोनों शर्ट्स डन की। तो यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग जो है वो रहीम की कर ली थी, ठीक है। वो आप लोगों को बैग नजर आ रहे होंगे, ठीक है। हम लोगों ने शॉपिंग मैंने जल्दी ली, ऐसे से पहली दफा जिंदगी में मैंने शॉपिंग की। अभी हम लोग लेने आए हैं ब्लून्स, ठीक है। मैंने रहीम के लिए जो ग्लिटर्स वाले हैं ना, ये वाले ब्लून लिए हैं, ठीक है। और ब्लून लेकर बस हम लोग जाने की करेंगे उसके हॉस्टल, उसके हॉस्टल से उसको पैक करेंगे, उसको बस परमिशन मिल जाए। उसकी परमिशन वैसे मैंने ली हुई थी, ठीक है। ये 500 उसको मिल गया। सुने इसका थ्रेड ज्यादा लंबा करवाए, इसका थ्रेड लंबा करवाएं, थ्रेड लंबा करवाएं, थ्रेड थोड़ा और लंबा कर दे यार, और लंबा कर दे, जब वो फिर पकड़ने ही होना इतना ऊंचा, थोड़ा लंबा होना, थोड़ा और लंबा कर दे, इतना बहुत है। ये सारे हमें एक जैसे अच्छे लगेंगे या कोई और भी हम कर लें? ये सारे एक जैसे अच्छे लगेंगे या कोई और मिक्स कर लें? नहीं ठीक है, वो बाकी बच्चों वाले, वो पीछे भी तो है ना, है ब्लैक वाला, बीच में अगर करना है वो एक हैप्पी बर्थडे वाला कर लो, कर लो फिर हैप्पी बर्थडे वाला, कौन सा व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक 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 ब्लैक, ये मैं अगर छोड़ दूं यहां से, छोड़ ना नहीं, अच्छे तरीके से देना, सही वाले कर ले। मेरी बात सुने, ब्लू वाला ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा, ब्लू में बर्थडे वाले, स्काई ब्लू जो है वो बर्थडे वाला है, स्काई ब्लू नहीं वो वाइट है बर्थडे वाला, बस रहने दे, ठीक है। वो जो वाइट नहीं था हमने, ठीक है बस, ठीक है चलो, ये साथ बनवा लो इसको, हां बनवा ले, ये भी साथ के अटैच कर दो। तो हमारे जो ब्लूज है वो हो चुके हैं फाइनल, और बस अब निकलने के हम लोग करते हैं। हमारे जो ब्लूज है वो और बढ़ गए हैं, ठीक है। पिंक भी हमारा नहीं, वो बेटी पिंक सा जो है, इतना मजा आता है, कोई ऐसे सरप्राइजेस मुझे भी दे प्लीज। इस सबका थ्रेड इक्वल हो, सबका थ्रेड इक्वल हो, थ्रेड इक्वल ही हो, हां नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, गाड़ी में रखवाने हैं, रखो एक मिनट। यहाँ पे मैं हॉस्टल आ गई हूँ, और मैंने जी पकीज़ा को बोला कि मेरे साथ थोड़ा सा व्लॉग जो है वो शूट करवा दे, और मैं अंदर डायरेक्ट उसके रूम में चले गई, और मैंने उसको जाकर सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ मेरे पे उल्टा ही पड़ने लगा था कि वो सो रही थी। यार रहीम, यार सीरियसली, सीरियसली शाबाश बेटा, तुम्हें ये तुम कहनी पर कहना पड़ेगा तुम्हें, कपड़े यहाँ पे प्रेस नहीं थे इसलिए का मैं थोड़ा थोड़ा शावर ही कर लेती हूँ। मैंने इसको 10 मिनट में तैयार किया, 10 मिनट। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तो फो जल्दी कर लो, मेकअप ले लो अपना, चलो मेकअप ले लो, मेकअप थोड़ा सा। यहाँ पे हम साइज चेक कर रहे हैं, साइज उन्होंने चेक किया कि अगर कोई चेंज चेंज करना होगा तो साथ हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। पहन के नहीं देखी थी, चेक की थी वैसे, आ गया, यही आनी है जिप, वो नहीं आ रहा, वो जिप तो आ गई, पागल हो। यहाँ पे इसका मस्कारा रह गया था, अभी ये मेकअप गर्ल नहीं है, इसे मेकअप नहीं करना था, लेकिन फिर भी इसका मेकअप पूरा हो गया था, ठीक है। यहाँ पे इसके बालों का ऑयल निकला हुआ था, क्योंकि वीकेंड था तो कोई इस तरह का प्लान नहीं था, तो मस्कारा लगा ले जल्दी थी, और बस निकलने की हम लोग करते हैं यहाँ से, जल्दी कर लो भाई, बस भी करो। लेट्स गो नाउ यार। कैसे क्या क्या इसकी कंडीशन थी, सच्ची बताऊं, एक एक लफ्ज और एक चीज की इधर उधर नहीं करूंगी, लेटी हुई थी, सोई हुई थी, चिट्टा पेंट करके अपने मुंह के ऊपर,
बंद करो कैमरा, इसने ऐसे कहा कि शर्म नहीं इसको आई। अच्छा सच लो मजे की बात, कहती बात कहती मुझे लगा था तुम, मैंने तुम्हारी स्ट्रीक देख ली थी, मुझे लगा था तुम हमारा घर दी पे गई हो, जो खाना वगैरह खा के 12 बजे मुझे जाते हुए कोई चीज पकड़ा के चली जाएगी, फिर 12 बजे इधर आएगी। मैंने कहा हमारा अचानक प्लान बना, मैंने कहा वो भी मेरा नहीं था, मैं सुबह से बीमार लेटी हुई थी, ठीक है प्लान बना और हमने कहा जाना है, कोई मैंने ही कह दिया उनका जाना है, इन्होंने कहा चलो। तुम्हें पता है स्मीत ने मुझे क्या कहा था? स्मीत ने कहा था अभी जो फोन पड़ा हुआ है ना घर पे है ना आईफोन है ना, वो रहीम को दे दिएगा। मैंने कहा स्मीत वो तो तुम्हारे, वो तो तुमने लेना है। मैंने कहा अच्छे नंबर लेके आओ, तुमने नहीं लेना वो। आगे तो कहता नहीं अभी मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपने उसको पैक करके ना रहीम को दे देना है बस। अच्छा। उसका कवर अच्छा सा ले लेना है और उसको दे देना है। रहीम तुम्हें बता रही हूँ। तो आगे से मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आगे से मैंने कहा उसने आपको कहा है? कहता उसने मुझे कहा नहीं है, लेकिन उसका दिल करता है, मैंने उसकी आंखें पड़ी उसकी आंखें। मैंने कहा सी हमने वो किसी को भी नहीं फोन देना, वो तीनों का तुम लोग लड़ाई है, अलमास के दिए मुझे दे दो ठीक है। मैंने कहा अगर हम रीमी को वो देंगे ना तो फिर हमें अलमास को भी उस तरह का गिफ्ट देना पड़ेगा ठीक है, फिर अगर हम अलमास को देंगे ना तो मायरा भी कहेगी कि मुझे भी उसी तरह का देना है, फिर मैंने कहा तुम भी कहोगे हम, मैंने कहा रहने देते हैं ठीक है। रीमी मेरा उसका इतना ख्याल है, रीमी तो ब्लूज के पीछे छुपी पड़ी है। इसको मैंने कहा था, मैंने कहा थोड़े लेकर जाओ, कहती नहीं सारे लेके जाने। ग्लॉस हाँ मतलब आप दूसरी वाली बना दी चल ले लो। तो यहाँ पर हम लोग वापस आ चुके हैं, थक गई थी बहुत ज्यादा, मजा भी बहुत ज्यादा आया।
थकना तो था ही यार, एक टाइम में शॉपिंग, एक टाइम में उसको सरप्राइज सेलिब्रेशन, हर चीज़ें साथ साथ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी जब वो सोई हुई थी मास्क लगा कर, ठीक है। सीरियसली यार मास्क लगा के यार वो अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारियाँ कर रही थी। उसको ये था कि मैं 12 बजे जाऊँगी, लेकिन मैं उसके बाद 12 बजे से पहले ही चले गई, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में आज 2 बर्थडेज थी, ठीक है। 12 बजे हमें इधर होना था और उससे पहले हम लोगों को वहाँ पर होना था, ठीक है। तो उसे सुबह चले जाना था, इसलिए मैंने ये सोचा था कि हम सुबह उसकी सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उसे सुबह पाक पतन चले जाना। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने उसके साथ नहीं जाना पाक पतन क्यों नहीं जाना मैंने, इसलिए नहीं जाना कि मेरा अभी और मूड है कि मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा टाइम बाद जाऊँगी, क्योंकि मेरा और कुछ मूड है। हमने कल कुछ और प्लान किया हुआ है, वो आप लोगों को ब्लॉग देख के पता चल जाएगा कि हमने कल का क्या प्लान किया हुआ है। कोई सरप्राइज़ नहीं पाक पत्नियों के लिए, कुछ नहीं, ठीक है। ब्लॉग देख के ये ना सोच लेना कि सरप्राइज़ देने में तुम लोग आओगे, इस दफ़ा नहीं आऊँगी, ठीक है। इस दफ़ा मैं सिर्फ और सिर्फ अपना, हम लोग थोड़ा इन्जॉय करेंगे, थोड़ा प्लान है कुछ नेक्स्ट आके देखने में। सांस चढ़ा हुआ है मुझे आज के, अपने इयररिंग्स जो है ना वो बहुत अच्छे लगे हैं, पता नहीं क्यों अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। मैंने इसके साथ ये पहने थे और मैंने इयररिंग्स पहने थे। जब आप लोगों का ऑयल निकला हो तो आप लोग इस तरह का बन बनाओ, ठीक है, ये इस टाइप का, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इस टाइप का बन बनाओ अपना, ठीक है। और साथ अपना ये जो तेल है इसको बिल्कुल ऐसे कर लो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ना मैंने इस वाले कॉम के साथ ना, इस वाले कॉम के साथ, मतलब इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट, ये बिल्कुल देख रहे हो ना। और आईब्रो जेल होती है, सॉरी नीचे गिर गया, आईब्रो जो मेरी जेल थी ना वो मैंने पकड़ के थोड़ी थोड़ी ऐसे लगा ली इसको, मतलब थोड़ा और मैंने ऑयली ऑयली कर लिया। और मुझे अपना ये आउटफिट जो है वो, मुझे आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं इतने लॉन्ग शर्ट्स क्यों पहनती हूँ, ठीक है। मैं खुद से तंग हूँ, मैं लॉन्ग शर्ट्स क्यों पहनती हूँ, लेकिन मैं पहनती हूँ, मुझे मैं इजी रहती हूँ, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इसमें, बाकी इसमें कि मैं शॉर्ट ड्रेसिंग करूँ नहीं, ठीक है। मैं मतलब ईजी रहती हूँ, जीन्स के साथ मैं लूज शर्ट पैटर्न वाली पहन लेती हूँ, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा ईजी रहती हूँ, क्योंकि एक लुक आती है, एक रॉयल लुक आती है। आप लोग ऊंचे कपड़ों में होते हो उससे बकायदा आप लोगों के लेंथ में कपड़े हो, और मेरी एक हाइट भी ज़्यादा लगती है इसमें, मेरा ये ख्याल है। अब मेरा देखो, अब मैं बैठी हूँ ना तो मेरे कपड़े इस तरह होंगे, मतलब ये गाउन होगा और ये इस तरह, और इग्नोर मारे, ये मेरी शौकियाँ जो है वो इग्नोर मारे, ठीक है। और व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, व्लॉग को हम एंड क्यों करते हैं, क्योंकि यार मैं ज़्यादा ओवर नहीं होगी, मैं ज़्यादा शौकी नहीं होगी, मुझे लग रहा है, ठीक है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। खैर छोड़ो, हम लोग व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग को एंड इसलिए करते हैं क्योंकि अभी मैंने जो अपना है टिकटॉक के लिए और इंस्टा के लिए मिनी व्लॉग तैयार कर रही हूँ, साथ साथ वो मैंने करना है अपलोड, और साथ में जो कर रही हूँ वो अपनी टिकटॉक की वीडियोस और लाइव आने के लिए तैयारी करने लगी। फिलहाल मैं अपना जो व्लॉग है एंड करती हूँ। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और रहीम को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू एंड पे कह रही हूँ, उसकी बर्थडे कल है, बेसिकली 2 नवंबर को बनती है, आज फर्स्ट है, ठीक है, बर्थडे उसकी नेक्स्ट डे है, तो वो सेलिब्रेशन जाके अपनी पाक पतन करती रहेगी। इग्नोर मारो इस चीज़ को, अभी फ़िलहाल हम लोग एंड करते हैं और रेस्ट मारते हैं कुछ टाइम, फिर वीडियोस बनाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जलालत दी हुई है तुम लोगों ने मुझे, ठीक है। अब कमेंट भी कर दो, लाइव उसको शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। मैंने बहुत गालियाँ निकाली, अब मुझे भर भर के गालियाँ आती हैं। नज़र लगाने तुम लोग सबसे पहले पहुँच जाते हो, जादू ढूंढने करने तुम लोग सबसे पहले पहुँच जाते हो, हैं काम करने के तुम लोग रिश्तेदार और मेरे फ्रेंड सर्कल जो है और इधर उधर के लोग हैं, ये काम का बिल्कुल भी नहीं है। जादू ढूंढने करा लो इनसे बाकी चीज़ें करा लो, वो ज़्यादा इनको अच्छे तरीके से आती है। खैर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इग्नोर मारो, ठीक है, ब्लॉक का एंड करते हैं। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।